हेलो गैस, जो आप देख रहे हैं रेनफोर सीमेंट, ये जो क्रैंक टूटी हुई है ये L/3 पे और L/4 पे तोड़ा जाता है। जो आपका रूम का क्लियर स्पेन होता है उसको L/3 बांट दिया जाता है। जो शॉर्ट स्पेन है उसके दो हिस्से में से आप एक हिस्सा जो है L/3 मानेंगे और एक दो हिस्सों को क्रूजर वाली L/3 मानेंगे। बीच के जो पोर्शन होंगे वो बिल्कुल सीधा होगा, जिस पोर्शन में आप क्रैंक नहीं तोड़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गैस, जो आपकी रेनफोर्स सीमेंट होती है शॉर्ट स्पेन और लॉन्ग स्पेन होते हैं, तो लॉन्ग स्पेन में हमेशा जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार बांधा जाता है और शॉर्ट स्पेन में मेन बार बांधा जाता है। जैसे कि आपका सपोज 10 mm का डाया है, शॉर्ट स्पेन में जाएगा। 8 mm का डाया जो है आप 12 लॉन्ग स्पेन में आप डिस्ट्रीब्यूशन बार के उस पर बांधेंगे। तो गैस, ये जितने भी आपके स्पेन होते हैं उसको सबको जो है आप जहाँ भी क्रैंक देते हैं सबको L/3 के हिसाब से आप बांध सकते हैं या L/4 के हिसाब से बांध सकते हैं। तो गैस, अगर आप इस हिसाब से अगर छत को बांधते हैं तो आपका प्रॉपर और इक्वल लोड उठाएंगे। तो गैस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।